खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता बुधवार को रिटायर हो गए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेयरवेल दिया गया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जस्टिस गुप्ता ने अपने संबोधन में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का लीगल सिस्टम अमीरों और ताकतवरों के पक्ष हो गया है। जज ऑस्ट्रिच यानी शतुर्मुर्ग की तरह अपना सिर नहीं छिपा सकते, उन्हें जुडिशरी की दिक्कतें समझकर उनसे निपटना चाहिए। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि कोई अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून अपना काम तेजी से करता है, लेकिन गरीबों के मुकदमे में देरी होती है। अमीर लोग तो जल्द सुनवाई के लिए उच्च अदालतों में पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ कोई अमीर जमानत पर तो वो मुकदमे में देरी करवाने के लिए भी हाई कोर्ट में जाने का खर्चा उठा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को खुद ही अपना ईमान बचाना चाहिए। देश के लोगों को जुडिशरी में बहुत भरोसा है। मैं देखता हूं कि वकील कानून की बजाय राजनीतिक और विचारधारा के आधार पर बहस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संकट के समय, खासकर अभी जो संकट है, उसमें मेरे और अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन गरीबों के साथ हमेशा ऐसा होता है। उन लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, इसलिए उन्हें भुगतना पड़ता है। अगर कोई उनकी आवाज उठाता है तो अदालतों को जरूर सुनना चाहिए। उनके लिए जो भी किया जा सकता है करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता बुधवार को रिटायर हो गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें फेयरवेल दी गई, जिस दौरान संबोधन करते हुए उन्होंने जस्टिस दीपक गुप्ता ने कई सवाल खड़े किए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जस्टिस दीपक गुप्ता कौन है, कहां कहां उनके जज के रूप में तैनाती की गई। जस्टिस दीपक गुप्ता का जन्म जिला कांगड़ा के नूरपुर में 6 मई 1955 को हुआ। मूल रूप से वो शिमला के रहने वाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की उन्होंने। इसके बाद उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और 2004 तक प्रैक्टिस की। अक्टूबर 2004 में हिमाचल हाईकोर्ट में जज के रूप में तैनाती मिली। 3 जून 2007 से 10 जुलाई 2007 तक हिमाचल हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। 24 नवंबर 2007 से 9 दिसंबर 2007 तक हिमाचल हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे। जस्टिस गुप्ता हिमाचल हाई कोर्ट की ग्रीन बेंच के भी प्रमुख थे। जस्टिस गुप्ता 23 मार्च 2013 को त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। 2016 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर ट्रांसफर हुए। 2017 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया।